स्वास्थ्य मंत्री ने किया सरदारपुर तहसील के विभिन्न गांवों में विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण। आज मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी, उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, विधायक प्रताप ग्रेवाल ने विभिन्न गांवों में विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया, जिसमें दसाई में 2,75,00,000 की लागत से आदिवासी बालक आश्रम, टिमायची में 2,75,00,000 की लागत से आदिवासी बालक आश्रम, उटावा चालनी माता और पिपलिया भान में नलजल सहित लगभग 9,00,00,000 की योजना का भूमि पूजन मंडी प्रांगण में किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र रघुवंशी, नारायण मुकाती, सुरेश पाटीदार, मुकेश केवलजी, राजेश बेराकी सहित अन्य उपस्थित थे। हाथ मजबूत कर दिए, आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, आप देखिए आने वाले समय में मध्य प्रदेश देश में नंबर वन का प्रदेश बनेगा। आज भी कई मामलों में आज मध्य प्रदेश एक नंबर पर है। स्वच्छता की बात करें तो मध्य प्रदेश देश में नंबर वन पर है। कृषि के आवास प्राप्त करने की बात करें तो मध्य प्रदेश देश में नंबर वन पर है। आयुष्मान कार्ड बनाने की बात करें तो मध्य प्रदेश देश में एक नंबर पर है। हमारी मातृत्व वंदना योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश देश में नंबर वन पर है। अगर विकास दर की हम बात करें, पिछले साल 19.7 थी, इस साल 16 है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश देश में नंबर वन पर है। सुशासन के मामले में हम नंबर वन पर हैं, तो हर मामले में मध्य प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है। ऐसी सरकार को सहयोग, और आज तो लाडली बहनों जहां जहां भी जाओ बहनें बड़ी खुशी के साथ में गीत भी गा रही हैं, और क्योंकि अब उनके खातों में हर महीने 1,000 रुपए डलते हैं। नहीं तो हमने देखा है पहले का समय, जब हमारी जो बहनें थी या हमारा कभी वो शादीशुदा बहने कभी मायके जाती थी पैसे की।